बाल हमारी पर्सनालिटी का बहुत अहम हिस्सा होता है, और जब हम बालों की बात करते हैं तो हमें उनकी ग्रोथ के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका टेक्सचर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, उनमें कोई ड्राइनेस ना दिखे, उनमें कोई स्प्लिटेंस ना दिखे और उनकी शाइन दिन ब दिन बढ़ती रहे। तो आइए आज हम उन रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारी बालों की सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ वो हेल्दी भी दिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई हेयर्स की, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। ड्राइनेस होने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। उनको मैनेज करने के लिए और उनकी ड्राइनेस को दूर करने के लिए सबसे पहले आप ऑलिव ऑयल लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करिए, कोकोनट ऑयल मिक्स करिए और आलमंड ऑयल मिक्स करिए। इन चारों तेलों का संगम एक बहुत अच्छा ऑयल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे आपके बालों को पूरा का पूरा हाइड्रेशन मिलता है। आप चाहें तो ये पूरा ऑयल का जो मिक्सचर है रात को लगा के सो भी सकते हैं, और ख़ासकर उन एरियाज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करिए जो आपके एंड्स, जो बालों के जो एंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनके ऊपर इन्हें ज़रूर लगा के छोड़िए। और सुबह उठ के इन्हें वॉश करने से पहले एक गर्म टॉवल से इन्हें स्टीम ज़रूर दीजिए। शैम्पू करने के बाद एक अच्छा कंडीशनर या एक अच्छा मास्क भी ज़रूर लगाना चाहिए। जब बात करते हैं हम इसे धोने की, तो कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में ड्राइनेस बजाय कम होने के बढ़ जाती है, और जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया है उसका नरिशमेंट अंदर जाने के बजाय निकल जाता है। इसलिए एक नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। एक ड्राई डैंड्रफ होता है, एक ऑयली डैंड्रफ होता है। ड्राई डैंड्रफ वो होता है जो झड़ता है और आपको कपड़ों पे दिखाई देता है, और ऑयली डैंड्रफ वो होता है जब हम स्क्रैच करते हैं अपना स्कैल्प तो वो हमारे नाखूनों में आता है। सबसे पहले आप एक बहुत खट्टा और ख़राब दही लीजिए जिसमें से स्मेल आ रही होती है। उस दही में आप थोड़ा से नींबू के कुछ ड्रॉप्स मिक्स करिए और उसको अपने स्कैल्प पे लगा के छोड़ दीजिए। ये जो मिक्सचर होगा, जो आपकी ड्राई डैंड्रफ होगी उसमें भी बहुत लाभकारी रहेगा और साथ ही साथ ऑयली डैंड्रफ को भी दूर करेगा। आधा घंटा छोड़ने के बाद एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करिए ताकि वो मिक्सचर अच्छे से निकल जाए, और एंड्स में कंडीशनिंग इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप रात को मेथी दाना जो आता है उसे भिगो दीजिए, सुबह उठकर उसे पीस लीजिए, उसके पेस्ट में थोड़ा सा एक चम्मच अनियन जूस मिलाइए, एक चम्मच अदरक का जूस मिलाइए, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट होता है उससे जो मिल्क निकलता है उससे आप इसका पेस्ट बनाइए। ये जो होममेड पैक है ये ना ही आपकी ग्रोथ बढ़ाता है साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी देता है। तो आप इसका इस्तेमाल रोज़ करें और आप खुद ही देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। अब बात आती है दूसरे होम रेमेडी की। आप प्याज को कद्दूकस करें और उसके पल्प को शैम्पू में मिला के रखें। उस शैम्पू को हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। आप खुद ही देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बालों में शाइन तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन बालों की जिनके बालों में एक्सेसिव ड्राइनेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाती है और शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। शाइन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बहुत आसान तरीका जो शायद आप रोज़ करते होंगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि आलू जो आप रोज़ उबालते हैं उसका पानी हम हमेशा फेंक देते हैं, उसके पानी का इस्तेमाल हम रोज़ अपने बाल धोने में इस्तेमाल करें। इससे हमारे बालों की शाइन भी बढ़ती है साथ ही साथ हमारा बाल स्ट्रॉन्ग भी होता है। ग्रेप सीड ऑयल जो बड़ी आसानी से मिलता है उस ऑयल का इस्तेमाल भी हम रोज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों में शाइन भी आती है साथ ही साथ हमारी बालों की ग्रोथ में भी असर आता है। बालों की शाइन और ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमारे डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट में सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूर होने चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर होना चाहिए, जिंक, सल्फर, पोटाशियम, इन सब की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें आपको फल, फ्रूट, दही, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों में मिल सकती हैं। इन सब का सेवन आपको करना चाहिए, साथ ही साथ आपको पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी दिन में ज़रूर लें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने बालों के शाइन तो बढ़ा ही सकते हैं साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं और उन्हें और हेल्दी बना सकते हैं।